दिन तक लगातार सुबह शाम तक हम लोगों ने प्रयास किया तमाम विधायकों से बात करने का। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता भी है, गर्व भी है कि तमाम विधायकों ने एक स्वर में कहा कि जो हमने डिमांड की हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो आपने पूरी करी, कभी मना नहीं किया, और विकास को लेके कामों को लेके किसी ने शिकायत नहीं करी। ये बहुत रेयर होता है। और ये भी कहा कि आम जनता में ये माहौल बन चुका है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। जो काम है उनका, पीसीसी का जो है हमारा संगठन का, उसके बारे में भी चर्चा की, और बहुत जल्दी हम पीसीसी के बारे में भी, क्योंकि बड़ा काम है डीसीसी प्रेसिडेंट बनाना, और सभी को कंसल्ट करके कंसेंसस करके इसके ऊपर करेंगे कि कोई किंतु परंतु ना करे, गलत ना हो जाए, ऐसा हमने सारा सभी ने बैठकर उसके ऊपर चर्चा कर ली है, और बहुत जल्दी वो भी करेंगे। और स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के 1-to-1 संवाद की। कांग्रेस के प्रभारी 1-to-1 संवाद के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठे, राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे। 1-to-1 संवाद के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हालांकि ये कुछ बातें हमारी भी किसी से हुई तो ये कहा जा रहा है कि कुछ चेहरों पर पार्टी दाव नहीं लगाएगी, यानी कि उनके टिकट कटना तय है। टिकट हर बारी काटे जाते हैं, कोई नई बात नहीं, किसी भी पार्टी होता है लगता है कि इस पे नहीं बैठ सकता, इसको दीजिए, उससे बेहतर ये कैंडिडेट हो सकता है, ये अपने अपने पार्टी की रणनीति है। लेकिन कांग्रेस में बात अलग है। कांग्रेस में पार्टी आलाकमान की जो स्थिति बनी हुई है, डिफरेंसेज को दूर नहीं करना, राज्यों के अंदर कितने राज्य हैं जहां पे लड़ाई है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, शिवकुमार डीके शिवकुमार और खरगे के बीच जो स्थिति बनी हुई थी, खरगे साहब को यहाँ आना पड़ा और अभी भी वहां डिफरेंसेज हैं। हिमाचल में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, तो ये कुछ ऐसी चीजें। उसे देखते हुए चलिए सिटिंग एमएलएज को आप ठीक है आप कवर कर लेंगे, लेकिन जो आपके सिंबल पे चुनाव लड़े वो हार गए, और हारने के बाद जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए या निर्दलीय समर्थित विधायक रहे आपके कि आपके समर्थन में, उनको आपको टिकट देना आपकी मजबूरी होगा, तो ऐसे में होगा क्या? कुछ ऐसे सवाल हैं जो तैरने हैं। और 1-to-1 के मायने क्या हैं? क्या 1-to-1 वास्तव में उस गहराई में जाने की कोशिश की है कि धरातल पे विधायक की क्या पोजिशन है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या वो विधायक अपनी कमजोरी बता पाएगा? तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जिन्होंने राजस्थान की सियासत को बहुत नजदीक से और लंबे समय से देखा है, अनुभव है,
ओम सैनी साहब हमारे साथ में, डॉक्टर यश गोयल साहब हमारे साथ में है और श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में है। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये वन टू वन हुआ संवाद, देखिये हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, वो वन टू वन करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, कुछ जनता से सर्वे कराते हैं, सबकी अपनी रणनीति है। कांग्रेस ने भी उसी तरह से अपना काम किया है। वन टू वन संवाद के मायने क्या हैं? देखिए इससे सीधे सीधे जो भी विधायक है या जो उसके साथ में संवाद करके कि आपके इलाके में क्या हैसियत है, कैसे लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, हमने ये सुना है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ये वन टू वन संवाद का मतलब कि आप बिल्कुल सीधे सीधे संवाद कर सकें विवेक किसी लिहाज के जो आपके और संवाद करने वाले के बीच तक तहत मतलब रखा हुआ है, बाहर कहीं गई नहीं गया है, बाहर अंदाज लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तरीका है और ये मेरा ख्याल है कि मुझे यूं लगता है कि बड़ा बेहतर तरीका है कि जो अगर खुल करके आप बात कर रहे हैं कि आप देखिए आप जिस जमात से जिस लोगों के बीच से इलेक्ट होकर के आए वहाँ इस तरह की नाराजगियां हैं, उन नाराजगियों को कैसे निपटा जा सकता है, आपने काम किया जो राजस्थान जो सरकार ने जो कुछ प्रोग्राम्स किए उनके क्या इम्पैक्ट हैं, उन इम्पैक्ट के साथ साथ में फिर भी आपके खिलाफ नाराजगी बरकरार है या आपके समर्थन में ऐसा है, तो ये वन टू वन का ही अर्थ है और ये आज से नहीं बहुत लंबे अरसे से होता रहा है कांग्रेस में, तो इस तरह की नाराजगियों से आप इतिहास भरा पड़ा है। देखिए यहाँ ये मतलब अभी इसलिए जरूरी हो गया कि एक बड़ी पार्टी सामने है जो सत्ताधारी दल बन जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद में आपको इस एंगल से देखना पड़ता है, वरना पहले आप बस वन टू वन में जो कुछ डिसाइड करते थे जो कर दिया उसी फैसला हो जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ट्रीट कर रही है इस वन टू वन वाले सिलसिले को और वो कैसे लोगों के साथ में बात कर रहे हैं और आप कैसे अपने लोगों के साथ में बात कर रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय हो गया और इसलिए ये एक जरिया बन गया जिसके लिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है ये, अगर सचमुच में है वास्तव में कुछ इस तरह की चर्चा हुई है तो आपके संगठन का प्रमुख, आपकी सरकार का प्रमुख और आप खुद जो आपके साथ में संवाद हो रहा है तो उसके साथ में चीजें बड़ी क्लियर हो सकती हैं। यही मेरा ख्याल है कि इनका एक मकसद है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही करती है, वो वन टू वन अलग किस्म से करते हैं, ये वन टू वन अलग किस्म से करते हैं, इनके यहाँ वन टू वन करने के बाद में बाहर बता देते हैं उनके यहाँ नहीं बताते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि चुनाव से पहले का वन टू वन इसके कई कई मायने हैं और ये आखिरी वन टू वन हो ये भी नहीं कहा जा सकता, अभी पता नहीं कितनी बार वन टू वन होगा टू वन होगा। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। मैं वन टू वन किया गया, विधायकों से पूछा गया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई भी विधायक अपनी कमजोरी बताएगा या फिर इनके पास में सर्वे हैं, क्योंकि चीजें ये छन करके आ रही हैं कि कुछ विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। अगर ये पहचान पा रहे हैं कमजोरी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर बात है और कमजोर कड़ी को अगर कोई समझ लेता है तो मुझे लगता है कि सफलता की सीढ़ी की ओर आप जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई समझ पा रहे हैं या फिर एक अलग तरह से इसे किया गया है? युवन जी मैं दो चीजों को मिक्स नहीं करूंगा, एक तो सर्वे अलग पार्ट है और वन टू वन जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो अलग अलग बात है। वन टू वन जो है बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट लगता है कि सब पीसीसी अध्यक्ष ने और पार्टी इंचार्ज ने सीएम ने एक एक एमएलए को अपने बुलाया जो करीब 99 के करीब है, उनको बुलाया और उनसे बात की, उसमें से 12 लोग नहीं आए, स्पीकर महोदय नहीं आए, कोई बात नहीं, सचिन पायलट नहीं आए जिनको आना चाहिए था, उन पे सबकी नजर थी। वो वन टू वन है कि भाई फीडबैक लेना, आपका क्या सोचना है, आप कैसे चुनाव जीतेंगे, जो 13 क्वेश्चन दिए गए थे उनके जवाब उनसे मांगे गए कि भाई ये सब बताइए, जातिगत क्या होगा, दूसरी क्या प्रायोरिटीज होंगी, सरकार की स्कीम्स क्या होंगी, ये सब चीजें वन टू वन है। पर मुझे इसके गर्भ में जो मोटी सी बात लगती है वो ये है कि जैसे ही सचिन पायलट यहाँ से अनशन करके दिल्ली गए और वहां जाकर के वो सोनिया जी से मिलना चाहा वो नहीं मिली, राहुल जी से मिलना चाहे शायद मिले, प्रियंका जी से मिलना चाहे शायद मिले, और वो लौट करके उनका प्रोग्राम आ गया कि साहब वो तो 17 से वापस से जनता के बीच जाएंगे और अपना जय जयकार करेंगे, हो गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लेवल पे, उसी दौरान ये तय हुआ कि वन टू वन रखा जाएगा। वन टू वन इसलिए रखा गया है, पॉलिटिकली अगर इसको समझा जाए, वो इसलिए रखा गया है अशोक गहलोत को ये जितने एमएलए थे अपने पक्ष में रखने थे, सबके साथ ग्रुप फोटो खिंचाएं, ये बीकानेर जोन है, अजमेर जोन है, जयपुर जोन है, ये दूसरा जोन है, उदयपुर है,
उन सबको दिखा के पावर ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी थी अशोक जी को, ठीक है सचिन पायलट डूडा को लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है घूम रहे हैं उसके बारे में खूब भीड़ इकट्ठी हो रही है, खूब बहुत कुछ कहा जा रहा है, पर असली मकसद उसका ये था कि ये दिखाना है कि भले ही आज आप सचिन को पायलट को अगर आप बनाने जा रहे हैं ये पार्टी हाईकमांड कि भाई हम उसको नेता बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे या पीसीसी अध्यक्ष बनाएंगे, तो अशोक गहलोत ये कह सके देखिए इतने एमएलए आए ये मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, ये 13 लोग 13 क्वेश्चनों के उन्होंने जवाब दिए हैं, दे आर विद मी नॉट विद सचिन पायलट, इसके पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्ट था वो ये था, और उसके साथ इन्होंने ये सर्वे वाला चला दिया। सर्वे आज कौन करके देगा, जनता की ओपिनियन तो यही कहेगी ना सब बहुत अच्छी स्कीम से बहुत अच्छा काम चल रहा है, कैंटीन कम्बेंसी जैसी चीज तो अभी नजर नहीं आ रही, यहाँ जो जो कम्बेंसी नजर आ रही है वो ये आ रही है 5 साल में सरकार बदलती है बदलेगी या नहीं बदलेगी, तो इतने के पॉलिटिकल शगुफे हैं जो मुख्यमंत्री के लेवल पे पीसीसी अध्यक्ष के लेवल पे और इंचार्ज के लेवल पे हो रहे हैं। अब आप देखिए आज एक सचिव आ गए दो सह प्रभारी आ गए, ये अभी बहुत अच्छी खबर थी कि अब तक जितने भी प्रभारी रहे उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कोई डिसीजन नहीं ले पाए, चाहे वो महाराष्ट्र के चाहे वो पंजाब के थे, तीसरे फिर पंजाब के आ गए, इन्होंने किया क्या, क्या डिसीजन लिए बता सकता है, छोड़ छोड़ के चले गए बदल गए। ये जो क्या कांग्रेस में मुझे ध्यान है कि मिस्टर जो पिछले कार्यकाल में अशोक जी के में थे वो महाराष्ट्र के डेथ हो गई आज उनकी, हाँ डेथ हो गई उनके अविनाश जी, नहीं अविनाश पांडे साहब से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा नाम है, हाँ उनका मैं नाम मिस कर रहा हूँ, सॉरी नाम मैं ढूंढ रहा था उनका मिलने रहा, हाँ बिल्कुल उनके लिए कहा जाता है कि वो किसी बात पे जैसे आलाकमान का मैसेज या कार्यकर्ताओं की राय वो अड़ जाते थे मीटिंग के अंदर, और अगर कोई बात उठा रहा है कोई उसे बैठाने की कोशिश करता था तो उसे कहते थे कि नहीं इनको खुल के बोलने दीजिए क्या कहना चाहते हैं, वो उनके लिए कहा जाता है, निर्णय आए कहाँ, निर्णय तो कोई आता नहीं था सिवाय इसके वो आ गए लोगों से मिल लिए एयरपोर्ट पर स्वागत हो गया जाते हुए उनको विदाई दे दी और बाकी मिल लिए कर लिए खा लिए पी लिए, अरब के अब आप देखिए जो अपने नए पार्टी इंचार्ज हैं कांग्रेस के वो अशोक जी के साथ साथ चलते हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है उनको अपने साथ रखा जा रहा है कहीं उनका अटेंशन जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, ये 1-to-1 प्योरली पॉलिटिकल मैसेज है, यस ये हमारे एमएलए वहीं के वहीं है हमारे साथ हैं, भले ही वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मानेसर चले गए थे हमने तो उसकी बात की परवाह ही नहीं की, तुमने तो परवाह नहीं की पर जिसने करवाई वो तो बाहर बैठा है उसको तो लाओ, तो 1-to-1 कहाँ है जिससे 1-to-1 करना था वो तो हुआ ही नहीं। लगता है आपको कि सत्ता वापसी की जो कवायद की जा रही है जो मकसद बाहर पब्लिक में निकल करके आ रहा है तो उससे तो फिर क्या लगता है आपको कि एक रस्म अदायगी माने इसे, अपनी कोशिशें हैं मतलब चीफ मिनिस्टर की पार्टी इंचार्ज की और पीसीसी अध्यक्ष की अपनी कवायतें हैं अपना अपना जुनून है हमें ये करना है जिससे कि लोगों का ध्यान रहे कहां जाते को पार्टी कुछ कर रही है, इससे पहले उन्होंने सब जगह जाकर जेलों में वो करे थे सम्मेलन काउंटर कर रहे हैं, पार्टी जो है काउंटर मूड में है बिल्कुल, मैं वापस एलिगेशन होते हैं काउंटर एलिगेशन होते हैं, ऐसी रैलियां होती है काउंटर रैलियां होती है, मीटिंग्स होती है काउंटर मीटिंग्स होती है, ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे पार्टी को हाई कमांड को तो उसके साथ 2 या 3 एमएलए हैं जो वहां हमारे खिलाफ बोल रहे हैं बाकी तो हमारे साथ है सारे के सारे, मेरी यहां तक अकल काम करती है जो समझता हूं राजनीति को। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा, सर क्या ऑब्जर्वेशन आपका इन तमाम चीजों को लेकर के, एक सवाल मेरा आपसे भी होगा और तमाम हमारे जो बैठे हुए यहाँ पैनलिस्ट उनसे भी होगा कि चलिए 1-to-1 सारी बातें हो रही हैं, विधायकों को उनकी कमजोरी भी बताई जा रही होगी क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद भी काफी स्मार्ट हैं और वो अपने एक अलग तरीके से भी वो अपना एक सर्वे चीजों को रखते हैं, उनका अपना एक नेटवर्क भी है, इतने साल से राजनीति कर रहे हैं वो, 3 बार पीसीसी चीफ, 3 बार केंद्र में मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, तो उनके पास में अपना भी नेटवर्क है, यहाँ चलिए 1-to-1 संवाद तो है, आपको ध्यान होगा कि जो निर्दलीय विधायकों से या बीएसपी के विधायकों से हारे थे कांग्रेस के सिंबल पर, वो लोग अपनी बात कह चुके हैं कि हमारे को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, यानी कि पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया है, हमारी को सुनने वाला नहीं है, कुर्सी बचाने के चक्कर में संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो हमारा क्या होगा फिर ऐसी स्थिति में, उनका उत्तर आज भी उनका जो उत्तर तो चम मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज भी उनका प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनका क्या होगा फिर, 1-to-1 संवाद चलिए आप कर रहे हैं,
उनसे आप पे बात करिए, उनसे आप विधायकों की कमजोरी है या उनकी वफादारी है, या वो अपने क्षेत्र के अंदर बिल्कुल बहुत एक मजबूत पोजीशन में है, जो भी चीजें होंगी हुई होंगी वहां पे, और कितनी हुई ये अपने को पता नहीं क्योंकि बातें सब बताई भी नहीं गई हैं, तो उस पोजीशन में क्या होगा? क्या उन लोगों के टिकट काटे जाएंगे, इन लोगों को टिकट दिया जाएगा, या बगावत अगर होगी तो उसे कौन दबाएगा? देखिए योगेंद्र जी, टिकट बांटना नहीं बांटना ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। अब ये मोहरे जो चलाए जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, जो कुछ होता है जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं है, दिखता है वो होता नहीं। अब देखिएगा कि ये वन टू वन किसने किया, प्रभारी ने किया, मुख्यमंत्री ने किया या प्रदेश अध्यक्ष ने किया? कभी मैंने वन टू वन इस तरह का वन टू वन नहीं देखा। अब सर्वे किसने कराया, पार्टी ने कराया, मुख्यमंत्री जी ने कराया या किसी एजेंसी के माध्यम से? सर्वे किस बार, अगर किसी विधायक ने, अब मांग ये नहीं उठ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, जो पद बाकी रहेगा उसको भरे जाना चाहिए। अभी भी लोगों की अपेक्षा है कि मंत्रिमंडल में जाने की, चुनाव की तैयारी है, अब तो कौन मंत्रिमंडल में जाना चाहेगा? आप देखिएगा कि हमने पहले देखा 4 महीने के मंत्री भी बनते थे, ओम जी तो गवाह है, मंत्री कौन नहीं बनना चाहता, जाता जाता भी मंत्री बन जाए तो भाग्य खुलता है ना थोड़ा बहुत, तो बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ जाती है, तो इसलिए ये नहीं कहेगी ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए अब ये चर्चा नहीं हो, एक दिन के लिए बना दो ना। देखिए राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री जी बड़े समझदार हैं और वो जानते हैं कि मैं ही करूंगा जो कुछ करूंगा, कि ये जताने का प्रयास जो मैं यश गोयल जी का मैं समर्थन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ये, देखिए बीच में कांग्रेस का अधिवेशन हो गया, अब ये कार्यशाला थी या अधिवेशन था, अब देखिए संवाद हो रहा है, संवाद के बीच में अधिवेशन, बीच में फिर संवाद, तो ये सब कहने का मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? और जो प्रतिद्वंदी है, जो नाराज है, उसको बुला करके आप बैठा करके बात नहीं कर पाए? अगर उसको मिला करके बात करते, अधिवेशन बुलाते, सब कुछ होना चाहिए। देखिए नाराजगी होती है, मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी होनी भी चाहिए, होती रहती है, उसमें राहुल गांधी ने कहा हमारे नेताओं को छूट भी दे रखी है हमने, करो नाराजगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर एकता का सूत्र बांधो। अब फिर कहा 15 दिन में हम संगठन बना देंगे, 5 महीने हो गए रंधावा जी को आए हुए। अब देखिए अब निश्चित तौर पर अब जो सह प्रभारी वगैरह लगाए तो लगता है कि प्रभारी से संभल नहीं पा रहा होगा पूरी तरीके से, इसलिए सह प्रभारी भी दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को साथ में लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष को साथ में लेकर के प्रभारी इस तरह का फीडबैक कहां क्या देगा? 13 प्रश्नों के जवाब लिखित में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी विधायक मन की बात तो अकेले में कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा सार्वजनिक तौर पर। और जिस तरह से छींटाकशी हुई इसमें और उसका प्रतिक्रिया आपने देखी सामने, राजेंद्र गुड़ा एक दिन पहले कह रहा है हवा निकाल दूंगा और चेतावनी करके देखो, और आकर के वो राजकुमारी करके जाता है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए ये, और उन्होंने प्रभारी जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री जी करेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का मामला है, तो आप प्रभारी जी आप तो मंत्रिमंडल के ऊपर भी है ना, तो इसलिए सब चीजें देखिए, जब कमजोर संगठन होता है, कमजोर प्रभारी होता है, और प्रदेश अध्यक्ष अभी तक क्योंकि नॉमिनेट है, और कैसे आ रहे हो अभी तो प्रभारी का रिजल्ट देने का वक्त ही नहीं है। आपने देखा ना कि सचिन पायलट मामले में कार्रवाई हो जाएगी, 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, फिर उसके बदल गए जाकर, और देखिए वेणुगोपाल भी कह दिए गए थे कि 2 दिन वेट करिए, तो इसका मतलब है कि सचिन पायलट में कोई है क्या, कुछ है क्या, इसका मतलब कुछ है उसमें ना, इसलिए गांधी परिवार तो हिसाब से कह रहा हूं कि अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा कमजोर है इस बात को कहकर के, तो केसी वेणुगोपाल भी कमजोर हो तो खुद कह के गए थे। देखिएगा कि ये पेचीदगी है, और कर्नाटक का चुनाव है, और कर्नाटक के चुनाव में क्या कुछ होना है थोड़ा बहुत तो देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली जाके आए, उसके बाद सह प्रभारियों की लिस्ट आ गई ना, आज आप देखिए आ गई ना, तो इसका मतलब है कि राजनीति में कुछ होता है तो हो रहा है, लेकिन जो आज राहुल गांधी जी ने मकान खाली कर दिया है, अब देखिये वो अपने तरीके के रहने की मेरे को मकान का एक अलग विषय है, तो फिलहाल राजस्थान पे फोकस करें कि वन टू वन के मायने, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस लौटूंगा। हाँ। मैं पैदल होने के बाद भी कांग्रेस को ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए इस कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, पार्टी को मजबूत करने का काम करो, अब जिसके पास है वो देना नहीं चाहता, इसलिए अगर दिलाना चाहते हो तो कुछ करो, प्रभारी जी कुछ करके फैसला क्या कहा, लेकिन हो नहीं पा रहा राजस्थान में। जो प्रभारी तो ये कहते हैं जो 25 सितंबर से पहले हुआ मैं तो था ही नहीं, ये देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अभी का बोलो अभी का होगा तो मैं चेतावनी देता हूँ। वो वैसी बात तो ये कि किसी के, जैसे मैं कई बार देखता हूँ पिक्चरों में सीरियल्स में, किसी के चोट लगी सर की, तो वो जो है ना कि उससे पहले का तो डिलीट हो गया, याद ही नहीं है उनको।
ये जो वाली स्थिति हो रही है, याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई। उसके बाद की मेमोरी का अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप बताइए, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, बड़ी रोचक बातें हो रही हैं, और वैसे तो देखिए जो तीनों लोग बैठे हुए थे सब खिलाड़ी हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, पार्टी ने भरोसा करके ही बैठाया होगा, पार्टी के स्तर पर कार्यक्रम तय हुआ होगा। लेकिन यहाँ एक बात आती है, क्योंकि अशोक जी इस बात को लेकर के इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं, वो मीडिया से भी कह चुके, कार्यकर्ताओं से भी कह चुके, और वो कहते भी हैं कि कहाँ कमजोरी है हमें बताइए, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और सरकार लेकिन हम रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने विजन 2030 का तय कर लिया है, मिशन 23 और विजन 30। तो ऐसे में ये बताइए कि जो लोग चुनाव लड़े, अभी भी बात की, आज भी जब एजेंडे को लेकर के चर्चा हमारे वहां स्लाइड चल रही थी, तो दो धराशायी विधायक यानी कि जो सिंबल से चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने फोन करके कहा कि आपके इसमें ये बात जरूर आनी चाहिए कि हमने संगठन के लिए काम किया, जो लोग संगठन से दगा करके चुनाव लड़के जीत गए तो हम लोगों का क्या होगा, उनका सवाल ये स्टैंड करता है कहीं पे। ये योगेन जी, एक बात हम काफी अरसे से कर रहे हैं कि राजनीति में मॉरलिटी का तो अब स्थान ही नहीं रहा जी। नैतिकता जैसा सवाल जिसे कहते हैं, और उससे चीजें नापने का जो आपके पास सूत्र थे उनका कोई मतलब ही नहीं है। अब तो यथार्थ को देखा जाता है कि इससे लाभ क्या होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना में ओबीसी को प्रमुख स्थान मिलने का सिलसिला होना चाहिए। तो राज्यों के लिए, संघ से जुड़े हुए राज्यों के लिए एक संदेश है ये कि ओबीसी को विशेष रूप से गौर करके रखना चाहिए। अब 200 विधानसभा क्षेत्रों में जैसे जाति कंपोजिशन है, उन कंपोजिशन में बड़ा रूथलेस ही आपको ये देखना है कि कौन विन करके आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। वो जांचने के लिए जातियों के कंपोजिशन कैसे, समन्वय किनके साथ में कैसा बैठ रहा है, किनके साथ में बिठाया जा सकता है, जो 1-to-1 में यही सब पूछा है कि तुम ये बताओ कि तुम अगर जाओगे तो तुम समन्वय कैसे बिठाओगे, तुम्हारे यहाँ इतने ये जमात है, इतनी ये जमात है, इतनी ये जमात है, तुमसे कौन सी जमात नाराज है, उसको तुम क्या मना सकते हो। ये एक कवायद ये हुई है, क्योंकि ओबीसी को तो इन्होंने आधार बना लिया है कि ओबीसी को आधार बनाकर के पूरे उत्तरी भारत में हमें आगे बढ़ना है, और कर्नाटक के इलेक्शन में भी इसको देखना है, बाकी जो लिंगायत और वोकालिंगा और इन सब का क्या होता। मेरा तो सवाल वो है कि उन लोगों का क्या होगा, क्या वास्तव में उनको भी सुनने का अवसर आ चुका है, क्या सुना जाना चाहिए, क्यों समय कम है, मैं आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा। राजनीति के यथार्थ को समझते हुए कहा जा सकता है कि इस वक्त महत्वपूर्ण ये है इस सरकार के लिए, जिसने दावा किया कि हम फिर से शासन में आएंगे और बहुमत से आएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो मायने रखता है। गोयल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, कुछ भी हो, फिलहाल तो एजेंडा एक ही है कि 2023 में एक बार फिर से गहलोत जी सरकार बनाई, एक ही मुद्दा है। अब उसमें आप किसका टिकट काट के बना सकते हैं, रणनीति का हिस्सा है, या कोई हार चुका विधायक हो सकता है कि वो बाजी मार सकता है, उस पर दाव खेलेंगे, ये क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। और अगर कमिटमेंट भी किसी का टूटेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ताकि जीतना चाहिए। मुझे एक अच्छे से ध्यान है कि पिछले कार्यकाल में जब गहलोत साहब के साथ में 6 विधायक मर्ज हुए थे, मुरारीलाल मीना, रामकेश मीना, रमेश मीना और राजकुमार शर्मा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा और मलिंगा, 5 लोगों को टिकट मिला था। राजकुमार शर्मा का टिकट इस वजह से काट दिया गया था कि गहलोत साहब ने सोचा कि ओला जी से माथा लगाने में मेरा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। राजकुमार का टिकट कटा, प्रतिभा को टिकट मिल गया, जीत के आ गया राजकुमार वापस 35,000 से। तो वहां जैसे भी ओम जी ने कहा ना कि ये देखिए एथिक्स का सिद्धांत तो खत्म हो चुका है, परिस्थितियां क्या रहती हैं और उसी के हिसाब से काम होगा। तो फिर उन लोगों का, क्योंकि वो अपने पैरेलल तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को बेनिफिट कैसे होगा ऐसे फिर? नहीं, ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो 10-11 लोगों ने इंडिपेंडेंट रहते हुए, जैसे संयम लोढ़ा को ले लें आप, संयम लोढ़ा तो 1-to-1 में नहीं आए, कांग्रेस ही है, उनको मिला भी लिया, जो वो 10 लोग वो हैं और 6 लोग ये हैं, 16 लोग तो ये मतलब बिल्कुल सिटिंग एमएलए खड़े हैं, जो कि टिकट की आस में लगाएंगे कि भाई आपने हमें पार्टी में रखा, हमें मंत्री बनाया, दूसरे पद भी दिए। और अगर आप टिकट भी नहीं देंगे तो आपके टिकट की परवाह भी नहीं है उनको, कि वो सोचेंगे तो पिछली बार जीत के आएंगे, हम तो लड़ेंगे चुनाव। दे आर एट देयर ओन। अच्छा, एक मैं ये कह रहा था, जो आप कह रहे थे ना कौन कौन वो रहे हैं इंचार्ज, तो मुकुल वासनिक रहे, गुरुदास कामत रहे, अविनाश पांडे रहे, अजय माकन, सुखविंदर, इन्होंने किसी ने कोई काम नहीं दिया, इन्होंने कुछ भी काम करके नहीं दिया था और ना ये करने वाले। ये तो सिर्फ ये है कि साथ साथ हमें हेलीकॉप्टर में ले चलो, पब्लिक मीटिंग में ले चलो, माइक पे बुलवा लो, और जो वो नहीं कह सकते वो उनसे कलवा दो।
हवा कौन निकाल रहा है सरकार की? डोटासरा कह रहे हैं हम हवा निकालेंगे बीजेपी, बीजेपी ने तो कहा ही नहीं हम हवा निकालेंगे। जिसने कहा उसके हवा नहीं निकाल रहे, वो बीजेपी की हवा निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए कितना इलॉजिकल है वो, क्या बीजेपी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तीर निशाने पे नहीं लग रहे हैं, दाएं बाएं जा रहा है, उसके मकसद कुछ भी निकल सकते हैं। सीधा सा देखिए जो सीधा से यह है कि हमें नवंबर तक सरकार बचा के रखनी है, हमें कुर्सी बचा के रखनी है, उसके लिए सारे इंचार्ज हमारे साथ हैं, सह प्रभारी हमारे साथ हैं, वी आर वन, विधायक हमारे साथ है, संभागवार तस्वीरें देख लीजिए आप, सब ग्रुप में फोटो खींचे हमारे सारे। चलिए जो कोई हल्ला मचा रहा है वो अपने लेवल पे मचा रहा है, उसको आप निकालो या वो निकले, दोनों में से एक होगा, क्या ना निकालो। बिल्कुल श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा, 30 सेकंड का वक्त है। तो देखिए मिशन एक ही है इस वक्त अशोक गहलोत, योजनाओं के दम पे, वो कहते भी हैं कि मैंने इतनी अच्छी योजनाएं दी है, उसमें मेहनत की है, और उनके दम पर कांग्रेस फतेह करके वापस स्थापित होगी। जो 1993 से चलता आ रहा है सिलसिला, एक बार आप एक बार हम, एक बार आप एक बार हम, उसको हम तोड़ देंगे इस बार। अब उसमें कुछ भी करना पड़े, सिटिंग एमएलए का टिकट काटना पड़े तो काटा जाएगा, किसी से कमिटमेंट भी टूटे तो टूटेगा। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर सरकार कोई भी नहीं चाहती कि मैम रिपीट नहीं हो, रिपीट होती है, और योजनाएं की कोई बुराई नहीं कर सकता, योजनाएं अच्छी है, योजनाओं को धरातल तक ले जाने के लिए आपको 2200 मंडल अध्यक्ष अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाए, उनकी 68,200 कार्यकर्ता जो करेंगे उनको भी नहीं दे पा रहे हो आप। तो जिस संगठन के माध्यम से अगर आप पार्टी का आम लोगों के बीच में जाओगे तो निश्चित तौर पर कुछ मिलेगा आपको, अधिकारियों के भरोसे आप जाओगे तो नहीं मिलने वाला कुछ, अधिकारी तो जब तक आचार संहिता नहीं लगी जब तक आपके साथ है, नहीं तो मुंह मोड़ के चल देंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का शोर शराबा प्रशासनिक स्तर पर ठीक हो सकता है, लेकिन पार्टी स्तर पर जो शोर शराबा होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष कमजोर हो, कहते मैं सेकंड आऊं, अब मुख्यमंत्री जी के सामने कहेंगे मैं तो इनकी मेहरबानी से बना हूं, तो फिर वो पार्टी के अंदर निर्णय करने की जो शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आती है। इसलिए पार्टी का अध्यक्ष, देखिए श्याम जी वो दौर चला गया, अभी तो दौर ये है कि किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बनता है तो किसी के अध्यक्ष बड़ा होता है और मुख्यमंत्री मेहरबानी से ही बनता है। अब तो स्थितियां ये बन गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेहरबानी से ही बनते हैं, ये तो नॉमिनेट है, जल्दी में बनाएगी, ऐसी बात कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर पाए। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका श्याम जी, समय हो चुका। तो चलिए 1-2-1 का जो मजमून है वो तो कांग्रेस ने लिखा, लेकिन उसका ऑपरेशन जो किया गया हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने किया, उसके अपने कुछ मायने हैं, और मायने का निचोड़ यह है कि फिलहाल तो एक ही चीज है कि गहलोत साहब मजबूत है, गहलोत साहब ने साबित करने की पूरी कोशिश की कि तमाम विधायक मेरे साथ हैं, किसी से कोई विरोध नहीं है, और संभागवार तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए हमारे साथ में खिंचवाई है, और अंदर क्या रिकॉर्ड करना है वो बाहर नहीं आया है, किसका टिकट कटेगा नहीं कटेगा ये मीडिया रिपोर्ट्स की बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि नवंबर अभी दूर है, उसी वक्त होगा तय कि आज हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन रहेगी नहीं रहेगी, किसी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपने स्ट्रेटेजी के लिए पहले पायदान पे ये कदम उठाया है, वो कितना सफल होगा, कारगर होगा, इसके मायने और मकसद जिससे लेकर के इन्होंने काम किया उस पर कितना खरा उतर पाएगा ये प्लान, ये भविष्य तय करेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।